नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबके सामने एक बेहतरीन वेज मशरूम बिरयानी की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बनाने में बहुत ही आसान और बहुत ही स्वादिष्ट डिश है। तो चलिए इसके लिए क्या क्या सामग्री चाहिए देख लेते हैं। इसके लिए हमने लिए है 4 बड़े कटे हुए प्याज, 1 कटोरी पुदीना के पत्ते धो के ले लिया है, 3 बड़े टमाटर, मैंने यहाँ पे 3 ग्लास चावल को धो के ले लिया है, नमक स्वाद अनुसार, 3 से 4 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 3 से 4 बड़े चम्मच घी, धनिया पाउडर, बिरयानी मसाला और लाल मिर्च पाउडर, 2 पैकेट मशरूम और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 2 बड़े चम्मच तेल। और यहाँ पे मैंने ये कुछ खड़े मसाले लिए हैं। ये साउथ इंडियन स्टाइल बिरयानी बनाने जा रहे हैं हम। इन सभी मसालों का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। इसमें मेन स्टोन फ्लावर और मारुति मोकू जो है, इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है, तो इसे बिल्कुल स्किप ना करें। तो हमने कुकर गरम करके ले लिया है। हम इसमें 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। अब इसमें 3 बड़े चम्मच घी ऐड करेंगे। तेल और घी दोनों अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें हम सौंफ डालेंगे, यानी फेनल सीड्स डालेंगे। मैंने 1 बड़ा चम्मच लिया है। अब सारे खड़े मसाले ऐड करेंगे। सारे खड़े मसाले अच्छे से कड़क चुके हैं। अब हम इसमें कटे हुए प्याज डालेंगे और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, हल्का ट्रांसपेरेंट होने तक पकाना है। देखिए, इसी स्टेज में हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो मैंने यहाँ पे डाला है करीबन 4 चम्मच अदरक लहसुन के पेस्ट। अब इसे हम अच्छे से भूनेंगे। एक से दो मिनट के लिए हम इसे ढक के पकाएंगे। खोलकर चेक कर लेते हैं। देखिए, तेल ऊपर आ चुका है, ये मसाला अच्छी तरह भुन चुका है। अब हम इसमें डालेंगे पुदीना के पत्ते, जो हमने धो के अच्छे से साफ करके रखा था। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पुदीना को भी हमें अच्छी तरह से फ्राई करना है, ताकि ये मसालों में अच्छे से मिल जाए। बिरयानी में पुदीना इसलिए डाला जाता है ताकि इसका फ्लेवर तो अच्छा आएगा ही, और इसमें जो मसाले, कड़े मसाले, गरम मसाले जो होते हैं, उसको ये बैलेंस करता है और डाइजेशन में भी हेल्प करता है। तो इसी स्टेज में हमने डाल दिया है टमाटर। टमाटर को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अच्छे से पकने देंगे। अब हम इसे ढककर थोड़ा पकाएंगे, ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए, और इसे बीच बीच में ऐसे ही मिक्स करते रहेंगे। अब हम बाकी बचे हुए मसाले सारे ऐड करेंगे। हम अभी ऐड करेंगे 2 चम्मच बिरयानी मसाला, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब इन सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह मिला लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 चम्मच डाला हुआ है। तो ये हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम ऐड करेंगे मशरूम। छोटे मशरूम को मैंने 2 टुकड़ा किया हुआ है, बड़े मशरूम को मैंने 4 टुकड़ा किया है। इसी प्रकार करने से मशरूम दिखेंगे। तो देखिए, बहुत ही अच्छा कलर आ चुका है और बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है। मशरूम को हम कम से कम 5 मिनट अच्छे से फ्राई करेंगे। अब हम इसे ढककर पकाएंगे। तो देखिए, मशरूम बहुत ही अच्छी तरह फ्राई हो चुका है, इसका पानी भी छूटने लगा है। तो इस स्टेज में हम अभी चावल डालेंगे। यहाँ पे बिरयानी राइस का यूज़ नहीं करते हैं, साउथ में ज़ीरा गम राइस का ज़्यादा यूज़ करते हैं इस बिरयानी में। तो आप ज़ीरा गम राइस भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये राइस था, तो मैंने यही यूज़ कर लिया है। तो अब हम इस मसाला में अच्छे से चावल को भी भून लेंगे। इसे जब तक हम भूनेंगे, तब तक इसी तरह मिलाते रहना है, वरना चावल नीचे से जल जाएगा। जब तक मसाला और मशरूम का पानी सूख ना जाए, तब तक हमें इसे इस तरह चलाते रहना है। तो देखिए, यहाँ पे चावल अच्छी तरह फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे 1 ग्लास चावल के लिए 2 ग्लास पानी लिया है, उसी हिसाब से मैंने 3 ग्लास चावल के लिए 6 ग्लास पानी लिया है। तो अब हम कुकर का लीड लगा देंगे।
कुकर का लीड हमने लगा दिया है। 3 विसल आने तक हमें इसे पकाना है। इस रेसिपी को आप कुकर में ना बनाकर स्टोव में भी बना सकते हैं। 3 विसल आ चुकी है, कुकर हमारा ठंडा हो चुका है। लीड ओपन करके देख लेते हैं कि कैसा बना है हमारा मशरूम बिरयानी। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, तो चलिए हम इसे मिक्स कर लेते हैं और इसे गर्मा गर्म सर्व करते हैं। तो देखिए हमने प्लेट में सर्व कर लिया है। अब मैं इसको एक धनिया के पत्ते से गार्निश करूँगी, तो लग रहा है ना बहुत ही डिलीशियस। मैंने यहाँ पे मशरूम बिरयानी के साथ सर्व किया है साइड डिश में पापड़ सलाद, चिकन करी, दही रायता। तो देख के लग रहा है ना बहुत ही टेम्पटिंग। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए घर पे, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ आनंद लीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस रेसिपी को लाइक और शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको सबसे जल्दी मिल जाएगा। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।